नमस्कार, मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। उड़ीसा का बालासोर ट्रेन हादसा आपको जरूर याद होगा। उस हादसे को कोई कैसे भूल सकता है, क्योंकि यहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1200 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। हादसे ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। इस ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों परिवार तबाह हो गए। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति, तो किसी ने अपना भाई। तबाही का ये मंजर आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। लेकिन इस भीषण हादसे से रेलवे प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि एक ऐसा ही एक और ट्रेन हादसा पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ है। यहां मालगाड़ी ने सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। वहीं अपनी इस रिपोर्ट में आपको हम ये भी बताएंगे कि बीते सिर्फ एक साल में अब तक कितने ट्रेन हादसे हुए हैं, जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। तो देखिए पूरी रिपोर्ट। टक्कर आज सोमवार सुबह 9 बजे के आसपास उस वक्त हुई जब कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदह जा रही थी। इस टक्कर में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे डिरेल हो गए और 2 बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। टक्कर लगने की वजह से ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। दुर्घटना के कारण रेल परिचालन बाधित हुआ है। कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रुकी हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से राहत ट्रेनें दुर्घटना स्थल पर भेजी गई। प्रशासन गैस कटर से डिब्बों को काट कर लोगों को बाहर निकालने में जुटा है। वहीं हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी और बचाव तथा चिकित्सा सहायता के लिए जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा प्रतिक्रिया दल सहित विस्तृत टीमें भेजी गई हैं। स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। तो वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने इस दुर्घटना पर कहा है कि मुझे अगरतला से सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ न्यू जलपाईगुड़ी में हुई दुर्घटना के बारे में पता चला। मालगाड़ी की टक्कर में ट्रेन के 3 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बचाव कार्य जारी है। राज्य सरकार सभी यात्रियों की सुरक्षा और बचाव के लिए रेल प्रशासन के संपर्क में है। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। आपको बता दें, ये कोई पहला ट्रेन हादसा नहीं है। बीते एक साल में देश में 7 भीषण ट्रेन हादसे हुए हैं, जहां हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते साल 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे को कौन भूल सकता है। यहां 296 लोग मारे गए थे और 1200 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। तो वहीं आंध्र प्रदेश में 29 अक्टूबर 2023 को 2 पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर में 14 यात्रियों की मौत हो गई थी। वहीं झारखंड के जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच 28 फरवरी 2024 को कई लोगों पर ट्रेन चढ़ गई थी। हादसे में 12 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं नई दिल्ली से कामख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2023 को बिहार के बक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ट्रेन के 24 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और यहां 4 लोगों की मौत हो गई। जाहिर है, देश में अब तक कई भीषण ट्रेन हादसे हो चुके हैं। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कितनों के घर परिवार उजड़ गए, लोगों ने अपनों को खो दिया। लेकिन आज तक रेलवे प्रशासन ने इन हादसों से कोई सबक नहीं लिया। मानो प्रशासन के लिए इन बिन गुनाहों की जान सिर्फ एक आंकड़े हो, जिन्हें वो कुछ समय बाद भूल जाती है। हमारे देश ने कितनी भी प्रगति कर ली हो, लेकिन हमारे देश में आज भी, इस वक्त भी, रेलवे व्यवस्था काफी बदतर स्थिति में है। ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को तो ये भी नहीं पता होता है कि वो सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे भी कि नहीं। ऐसे में सरकार को रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर विचार करने की जरूरत है और इसमें जल्द से जल्द सुधार की आवश्यकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।